आ जाओ ना आप भी हमारी सोसाइटी में। क्यों अनब्रांडेड है इसलिए नहीं आओ? अरे ब्रांडेड है ना मेरी वजह से। सारा सामान ला टैक्सी से निकल के। अरे ढोलकिया जी आ गई आप गांव से? हाँ आ गई। कैसी गई नवरात्रि? बहुत अच्छी। गांव की नवरात्रि? गांव की नवरात्रि में कुछ अलग ही बात होती है। हाँ वो बात तो है। कोई नहीं एक अनब्रांडेड पड़ोसन आ। कितना सामान है माँ? हाँ चल जल्दी। माँ मैं शादी करूंगा तो इसी से करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। कुछ भी सपने मत देख, समझ गया ना तू? हाँ क्या खूबसूरत है वो। अरे उसके जैसे खूबसूरत लड़की मैंने देखी नहीं। पागल पागल हो गया क्या? हाँ पागल ही हो गया उसके प्यार में। माँ आप प्लीज मेरी शादी की बात उससे करो ना, प्लीज 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 माँ प्लीज। ठीक है करते हैं बात, पहले सामान रख के आते घर में। क्या दिन था कल का, पर जो भी हुआ अच्छा हुआ। मुझे माफ कर देना माता रानी, जाने अनजाने में मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई। अभी मैं ट्राई करूँगी कि इसके ऊपर इम्प्रूव करूँ। बहू और मैं आगे से अच्छे से रहेंगे। हेलो शुराख दादी। अरे आओ आओ मिस ब्यूटीफुल, सिट। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अगुबी शर्वी जी आप कुछ लाओ, आपके लिए चाय पानी? ना ना चाय पानी नहीं, मैं तो बस ऐसे ही आ गए। अच्छा ऐसे ही आ गए, वैसे भी कहा आपको कुछ काम है? तो फिर शुरू हो गई? अब बस बस कल बहुत कुछ हो चुका है और मैं नहीं चाहती कि फिर से कुछ हो जाए। क्या हुआ था ऐसा कल? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो हुआ सो हुआ, जो हुआ सो हुआ, होने दो। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और आंखें खोलने के लिए होता है, तो भूल जाओ। अच्छा हुआ जो भी हुआ। अच्छे से पेश आना, अभी तेरी वजह से मैं करने जा रही हूँ बात। कहाँ चली सवारे? शर्वरी जी के यहाँ पे जा रहे। उसके घर में नहीं है शर्वरी, इधर नीचे आ गई है श्री आके दादी के पास। अच्छा थैंक यू। हाँ चल। आप बात है ढोलकिया जी, शर्मिला के घर जा रहे, कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रहे होगे, जाना पड़ेगा स्वाद लेने। शर्मिला जी आओ क्या? अरे ढोलकिया जी आइए ना। नमस्ते नमस्ते शर्मिला बेन। हाँ नो हेलो हेलो नमस्ते। ओए वहाँ क्या बैठ रहे तो? शरण वरण है कि नहीं, ऐसे लड़की के पास में आके बैठ गए, मैनर्स ले। तू मत बैठ वहाँ पे, मैं बैठती हूँ इधर बैठ तू। किसी की नजर ना लगे तुझे। कितनी खूबसूरत है तू। और बताइए ढोलकिया जी आज हमारे यहाँ पे अचानक क्यों? ढोल बजाने आ गई। वो दरअसल क्या है, मैं आपके यहाँ पे मेरे लड़के के लिए लड़की की बात करने आई थी। अगो भाई ढोलकिया जी क्या बात कर रही हो आप? आपका दिमाग तो ठिकाने पे है, मेरी बेटी अभी 11th में है, 11th में। आप क्या बातें कर रही होगी? Manners less, you don't have manners. Look at your boy. This is so ugly and look at my daughter. She is just child, right? इसको क्यों English? इसको तो कुछ आता नहीं। अरे मेरी पोती अभी बच्ची है। वो शर्म नहीं आती? वो अभी बच्ची है और इसको देखिए। मेरा घोड़ा हो गया है। आप गलत समझ रहे हैं, आप गलत समझ रहे हैं। आपकी आपकी बेटी की नहीं बात कर रही मैं। तो किसकी बात कर रहे हो आप? तेरी। अभी आप तो बच्ची नहीं हो। आपके हिप शांत शांत हो जा, पहले मेरी पूरी बात सुन ले, शांत हो जा। क्या चल रहा है? शर्वरी जी की शादी की बात हो रही है। अरे वाह मसालेदार टॉपिक है ये तो। ओहो ये क्यों आ गई बड़े मुंह वाली औरत? आई आई बैठी। अब बैठ गई मैं। करो करो शुरू करो, बातें शुरू करो। आप कैसी बात कर रही हो आप? सबको पता है और मैंने पहले ही कह दिया है, जब तक मुझे जॉब नहीं लगेगा तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। कब लगेगी जॉब? क्या पॉइंट मारा है, हो गए ना अभी 4 साल सर्वरी जी। कब लगेगा आपको जॉब, कब होगी आपकी शादी? अभी पूरा 4 साल होने को आया है। देखिए सर्वरी जी
ये जो शादी की उम्र होती है ना, एक बार चली जाती है तो वापस नहीं आती। शादी उम्र में होनी चाहिए। आपकी हो गई है उम्र। ये आपकी सोच है। सोच नहीं, सच बात बोल रही हूँ मैं। और सच हमेशा कड़वा होता है। शर्वरी जी, देखिए मेरा बेटा बहुत अच्छा है और उसके जैसा आपको जीवन साथी नहीं मिलेगा। और नहीं तो क्या। देखो ढोलकिया जी बराबर ही बोल रहे हो शर्वरी जी, बुरा मत मानिए उनकी बात का। ये जो समय होता है ना, उसकी कदर करनी चाहिए। आप तो समय के बारे में सोच ही नहीं रही। 4 साल हो गए इधर उधर भटक रही हो। क्या करती हो दिन भर आप? ऊपर नीचे सीढ़ियों से कभी तो स्टडी करते हुए दिखती नहीं। कम से कम शादी कर लीजिए, क्या जाता है। बस 7 फेरे तो मारने, गले में मंगलसूत्र डालेगा, सिंदूर लगाएगा, हो गया। अभी मेरी बहू बन जाओगी तो मैं कुछ सिखा भी दूंगी। देखिए अगर मुझे शादी भी करनी होगी तो मैं किसी ऐसे से करूंगी जो मुझे अच्छे से जानता हो। सफेद झूठ, कितना झूठ बोलोगे आप। अगर ऐसी बात थी तो अभी जिसे शादी क्यों नहीं की आपने? नौटंकी कर रही है सब। इसकी नौटंकी पहले से मैं जानती हूँ, जब से आई सोसाइटी में तब से नौटंकी कर रही है। क्या कर रही है? और कुछ तो होता नहीं इससे। देखो कर लो शादी आप ना समय ऐसा बर्बाद मत करो। क्या है, समय वापस नहीं आएगा, इसलिए बोल रही हूँ। अभी आपकी उम्र है, कर दीजिए शादी। ओह नो, व्हाट इज दिस? आप उसको ऐसा फोर्स नहीं कर सकते। एंड बाय द वे, ये क्या जोड़ी है? ये अभी कोई जोड़ी है? श्रेया की दादी, आई एम नॉट टॉकिंग विद यू, यू चिल, ओनली दैट कैन यू डू। देखिए ये शादी की बात तो मैं अभी करना ही नहीं चाहती हूँ। आप मुझे पता नहीं बार बार क्यों शादी 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 करके पीछे पड़े हो। मैंने बहुत पहले कहा है, जब तक मैं अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो जाती तब तक इन सब बातों के ऊपर ध्यान नहीं दूंगी। शादी के बाद हो जाना अपने पैरों पे खड़े, मना किसने किया है? पर मुझे शादी से पहले खड़े होना है। देखिए शर्वरी जी, हम आपके पास बहुत प्यार से आए शादी का प्रपोजल लेके, और आपको ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना ही होगा। अगर आपने नहीं किया तो क्या करोगे तुम? ऐसी दादागिरी मेरे सामने मत करो, समझे ना। तुम जैसे उनको सीधा करना बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। बंदी को बड़ा एक्सपीरियंस है। आपको तो मुझसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। ये जो तुम धमकी दे रहे हो ना, किसी और को देना, समझ गए? मधु के बच्चे आजा बाहर। और रही बात शादी की, तो मैं तुमसे वो कभी नहीं करूंगी। भले ही इस दुनिया में सिर्फ तुम एक अकेले बच जाओ, फिर भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। ए बस शर्वरी, बहुत बोली तू। अभी देख, नहीं 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 नहीं, अभी देख तू शर्वरी और आप सब लोग, मत कर तू शादी। अरे मैं ठोकरा देती हूँ तुझे। चल, नहीं चाहिए मुझे ऐसी बहू। बेटा मैं तेरे लिए ऐसी बहू ढूंढ के लाऊंगी, ऐसी बहू ढूंढ के लाऊंगी ना, सारी सोसाइटी देखती रहेगी। और इससे तो कई ज्यादा खूबसूरत लाऊंगी। इसको ना खूबसूरती का बहुत ज्यादा गर्व है। तेरा गर्व हरण करने आएगी मेरी बहू। ऐसी बहू लाऊंगी ना, तू बस देखती रह जाएगी। तो लाइए ना, रुके क्यों हो, जाओ अपने घर के लिए एक अच्छी सी बहू ढूंढ के लाओ। हाँ लाऊंगी लाऊंगी, तू कौन होती है बताने वाली शेमड़ी। चल बेटा। हाँ चलो। दिमाग खराब कर दिया। मैं आती हूँ शराब की दादी। मिस ब्यूटीफुल, ऐसे लोगों का दिल पे नहीं लेते हो। अपना एटीट्यूड कोलकाता में जाके झाड़, यहाँ मत झाड़। तेरी प्लीज़। ये छोड़। दम जी। अबे ये क्या कर रहा है? ये छोड़ मेरे बेटे को। ये क्या हो रहा है? दम जी हनमारी कर रहे हैं। हाँ? उसको और क्या काम है? हीरोपंती दिखाने आती है बस। अरे जा बॉलीवुड में, कोई नहीं लेगा तुझे फ्लॉप हीरो। अगर फिर से तूने शर्वरी के साथ बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शीला, तेरे पति की शादी भर रही तेरे साथ हुई है, पर उसका दिल किसी और के लिए धड़कता है। चल बेटा। क्या जरूरत थी हीरो बनने की सबके सामने? उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था, तुमको नहीं, जो तुम इतना हाइपर हो गए। देखो तुम्हारे साथ अगर कोई बदतमीजी करेगा, मैंने कितनी बार मना किया है, मेरे मामले में ढांगड़ा मत बंद करो। अरे दोस्त हूँ मैं तुम्हारा। बाहर में जाए तुम्हारी दोस्ती, नहीं चाहिए मुझे ऐसी दोस्ती जो किसी की जान पे आ जाए। लगता है
तुम्हें किसी की जान ज्यादा ही प्यारी है। चम्मट मारूंगी एक बहुत जोर से, पूरी सोसाइटी को आवाज आएगा। मारो मारो, वैसे भी ठोकर खाने की आदत हो गई हमें। चुप बैठो, अगर फिर से तुमने मेरी वजह से किसी को ऐसा पीटा तो मैं तुमको इतना पीटूंगी। पहले ही आपने जो घाव दिए वो अभी तक भरे नहीं, ऊपर से और घाव देने की तैयारी कर रहे हो आप।